आजादी का अमृत महोत्सव एवं रक्षाबंधन के अवसर पर विजय चौक स्थित एक निजी मॉल में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा म्यूजिकल बैंड ने आजादी की मधुर धुन बजाकर लोगों को जागरूक किया, जिसके मुख्य अतिथि सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा रहे। इसके उपरांत मॉल के कार्यरत महिला कर्मियों ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को राखी बांधी। कार्यक्रम के दौरान DIG राजेश लांबा ने पौधारोपण भी किया, जिसके संबंध में सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा ने बताया कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल का संयुक्त प्रयास है ताकि लोगों के बीच एवं जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रप्रेम के तूफान को एक नई दिशा दिया जाए और सभी को मिलाकर देश की प्रगति के लिए अपना योगदान करें। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगे के साथ जो तिरंगे की भावना राष्ट्रप्रेम है वह लोगों के बीच जागृत है। हमारा प्रेम शांति का भाईचारे का संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्लू कमांडो के प्रमुख उदय मिश्रा एवं सशस्त्र सीमा बल के DIG राजेश लांबा ने कहा, बैंड की धुनों में आप लोग जरूर नाचिए,
थोड़ा सा अपना जोश भी दिखाइए और इस शाम को, इस इवेंट को और यादगार बनाइए और इस अभियान में अपना योगदान दीजिए. I'm really thankful that this has been organized here in a very beautiful manner, and definitely it will send a very positive and very encouraging signal and message to everyone all around that we all Indians are one, and our flag and our nationality and our love and affection and our bondage with the Indian national flag, we are ready to offer any type of sacrifice for its sanctity and for its high flyer future. उदय मिश्रा सर, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है हम लोगों का. ये चौराहे पे हमारा एक मॉल है, वहाँ पे हम लोग एसएसडी कैंप को जाके वहाँ पे डी आई जी को इनवाइट किए थे हम लोग. इनवाइट करने के बाद ये हुआ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और राखी बीरो के नाम की एक हम लोग कैंपेन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना. इन जवानों को राखी के बारे में बताया जाए कि राखी उनको बांधा जाएगा, ठीक है, उसी के व्यवस्था में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं. ये है इस नाते है कि हम लोग 75वां साल आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं अपना. इस नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय का आदेश था ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, ठीक है ना. उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ से एसएससी के जवान हमारे सारे खड़े हुए हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, ठीक है ना. और ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे हम लोग. ये राखी का और आज़ादी का अमृत महोत्सव दोनों को कम्बाइन करके एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और एडी मॉल के एक संयुक्त प्रयास से एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोगों के बीच में, गोरखपुर के जनमानस के बीच में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र प्रेम का जो एक तूफान उमड़ रहा है उसको एक नई दिशा दिया जाए और सबको मिलजुल करके एक संगठित होकर के देश की प्रगति के लिए अपना जितना भी योगदान कर सकें उसमें एक छोटा सा प्रयास हम सब ने मिलकर किया है और ये बहुत अनूठा और बहुत कामयाब प्रयत्न है. हर घर तिरंगे के साथ साथ तिरंगे की जो भावना है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो लोगों के बीच में जागृत रहे, वो हमेशा कायम रहे, यही हमारा प्रेम का, शांति का, भाईचारे का संदेश है.